अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। 7:14 हो रहे हैं सुबह के। अयान का जो है वो आज स्कूल स्टार्ट हो रहा है, नया साल स्टार्ट हो रहा है, सो दैट्स गुड। अयान 4th grade में जा रहा है माशाल्लाह से। अभी हमें इसको स्कूल ड्रॉप करने आया हूँ और इंशाल्लाह अभी बस थोड़ा सा ही है, आगे जाते हैं इसको ड्रॉप करेंगे और फिर निकल। आज है 28 अगस्त और अयान का आज पहला दिन है 4th grade में स्कूल का, नए साल का स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं अयान को ड्रॉप करने आया हूँ, सुबह सुबह का माहौल चेक करें। अभी अच्छा वेदर हो रहा है, 73-74 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, सो विच इज़ अ गुड वेदर। अच्छा भाई, अमेरिका वापसी हो गई है और आज 28 अगस्त है और अयान का आज पहला दिन था स्कूल का, तो अभी मैं अयान को ड्रॉप करके आ रहा हूँ स्कूल से। अयान माशाल्लाह से जो है वो 4th grade में चला गया, आज उसका फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे के हिसाब से जो है वो थोड़ी सी इंसान की फीलिंग्स भी डिफरेंट होती है। मुझे भी याद है जब हमारी नई क्लासेस स्टार्ट हुआ करती थी तो एक अलग तरह से एक्साइटमेंट हुआ करती थी कि यह नया साल स्टार्ट हो रहा है, नई बुक्स होंगी, क्या नाम है, नई कॉपियाँ होंगी, नई स्टेशनरी होगी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो जो भी हम लोग अफोर्ड कर सकते थे उस टाइम के ऊपर हमारे वालदैन जो है वो लेके दिया करते थे, और बाकी ऑब्वियसली नई किताबें कॉपियाँ तो होते ही हैं सबकी, तो वो जो सारी चीज़ें होती थी कि नए स्टेशनरी को यूज़ करना या नई बुक्स को यूज़ करना या एक नया साल स्टार्ट कर रहे हैं, अगली क्लास में जा रहे हैं, तो वो जो एक्साइटमेंट होती थी वो एक मुख्तलिफ होती थी, तो वो सबको ही होती होगी, अभी भी होती होगी बच्चों को। ऑब्वियसली आजकल के बच्चों का तो माइंड सेट थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन ये सारी जो फीलिंग्स हैं ये तो एक तरह से नेचुरल होती है ना कि एक नई चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें तो होती ही हैं। वापस आने के बाद काफ़ी टाइम पाकिस्तान में गुजारने के बाद एक डिफरेंट जो है वो फीलिंग्स होती है डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे माहौल डिफरेंट है, सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। यहाँ का एक अभी दोबारा से एक उस माहौल में आ गए हैं पाकिस्तान के माहौल से निकल के, जो एक तरह से कियोटिक किस्म का माहौल होता है, अफरा तफरी होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीज़ें उस तरह से नहीं चल रही होती हैं, बड़ी काम एंड कूल चल रही होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या ऑन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हो रही होती हैं, और वो जो ज़िंदगी से आप निकल के आते हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक कामनेस और एक कूलनेस सी नज़र आ रही होती है, सो दैट इज़ गुड और दैट इज़ ऑब्वियसली वेरी डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान। 7:20 हो रहे हैं तकरीबन, और ये यहाँ पे मेन रोड का सीन है। आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायरिंग सफ़र होता है और अभी कुछ चीज़ें भी हैं जो आज करनी है, तो इंशाल्लाह कल से फिर मैं ऑफिस जाना स्टार्ट करूँगा। भाई माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का माहौल हो रहा है, ज़बरदस्त सीन हो रहा है और मौसम भी अच्छा है और क्लाउडी वेदर है, तो आई थिंक बारिश की भी शायद फोरकास्ट है, और पॉसिबल है कि बारिश हो, कल भी हुई थी और आज भी होगी ही शायद, अल्लाह करे ना हो, मैं थोड़ा सा बारिश से तंग हो जाता हूँ क्योंकि बारिश बहुत होती है यहाँ पर, और अभी भी वेदर क्लाउडी है, तो सीम्स लाइक कि बारिश होगी, आई थिंक फोरकास्ट भी है। थैंक यू वेरी मच। ओके, फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।